एक बार फिर चलते हैं मंडी जिला की ओर, जहां प्रदेश वन विभाग की राज्य स्तरीय खेल व ड्यूटी मीट प्रतियोगिता आज पडल मैदान में शुरू हुई। प्रधान मुख्य अरण्यपाल अजय श्रीवास्तव ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वन विभाग की स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हर वर्ष करवाया जाता है, ताकि अधिकारियों व कर्मचारियों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी हो सके। श्रीवास्तव ने उम्मीद जताई कि इस खेल स्पर्धा में सभी प्रतिभागी खेल भावना से भाग लेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। वन विभाग का जो 23rd राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है, मैं आयोजकों को और सभी टीमों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो 3 दिन है इसमें टीम भावना के साथ ये लोग इस स्पोर्ट्स में इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और वन विभाग की जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं वो आगे आएंगे इसमें, ताकि हम लोग इनको जो अच्छे खिलाड़ी हैं इनको हम नेशनल लेवल पर भी भेजेंगे, ताकि वो हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर सके। वहीं मुख्य अरण्यपाल मंडी अनिल जोशी ने बताया कि पहली बार इस प्रतियोगिता में महिलाओं की टीमें भी भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर वन विभाग के करीब 600 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। जानते हैं कि वन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हमारे वन कर्मी जिन्हें दूर दराज के क्षेत्रों से अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना होता है, उनके लिए यह एक ऐसा अवसर है जहां पर वन अधिकारियों और कर्मचारियों को एक मंच पर बेहतर तालमेल द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का सुअवसर प्राप्त होता है। वहीं इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में भी सहायक सिद्ध होती है। वन विभाग प्रदेश के प्रमुख विभागों में से एक है और अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा की इसकी एक परंपरा रही है। ऐसी खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजनों से जहां वन कर्मी शारीरिक व मानसिक रूप से सजग एवं सक्षम रहते हैं, वहीं उनमें एकता एवं आपसी भाईचारे की भावना भी प्रबल होती है।